जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, आज का दिन बहुत खुशी का है और हमारे फार्म पर आज साइलेज आ रहा है और एक साथ दो दो खुशी मिल रही है क्योंकि आज हमारे सर भी आने वाले हैं फार्म पे। तो चलिए, सर भी आने वाले हैं। जब तक सर आएंगे तब तक साइलेज की गाड़ी लगभग आ चुकी है। तो चलिए, साइलेज उतारते हैं और आपको वीडियो बताते हैं। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और जो जो जानकारी है टोटल जानकारी दूंगा। साइलेज की गाड़ी आई है सुधा से और सुधा डेयरी हमको साइलेज दिया है जो 7 रुपये किलो हमारा साइलेज पड़ा है। और हमने अभी 2 टन का ऑर्डर दिया था, उनको बोला था कि 2 ही टन हमारे पास आना चाहिए, तो 2 टन भेजे है। 7 रुपये किलो पड़ा है। रेट कैसा है जरूर बताइएगा, ज़्यादा लगा है या सही रेट है। हमारे घर पे आके 7 रुपये किलो पड़ा है और गायों को अब साइलेज देकर ट्राई करते हैं कि साइलेज देने से क्या फर्क पड़ता है। मक्का का साइलेज है और साइलेज जो आया है मक्का वाला है। और चलिए, गाय को खिला के भी दिखाएंगे, पहले माल उतार लेते हैं। तो वीडियो लास्ट तक चलिएगा और देखिएगा। चलिए, बैक कैमरा करता हूँ और सब कुछ दिखाता। तो दोस्तों, हमने सुधा डेयरी से साइलेज का जो है अभी साइलेज जो आया हमारे पास, साइलेज आते ही हमको अच्छा लगा खोल के देखा तो, और साइलेज हमारा लगभग 7 रुपये किलो पड़ा और घर पे आके 7 रुपये किलो पड़ा। 7 रुपये पूरा लगभग नहीं, 7 रुपये किलो ही पड़ा है। और अभी हमने जब साइलेज खोल के देखा तो अच्छा लगा, तो और हमने साइलेज का ऑर्डर दे दिया है। लगभग 10 टन बोल दिया है सर को वहाँ फोन करके कि और 10 टन हमको चाहिए क्योंकि साइलेज मक्का का है और खूब बढ़िया है। देखिए, डालते डालते में कितना जल्दी, मतलब अभी 5 से 7 मिनट हुआ और साइलेज डालते ही गाय सब कितना जल्दी जल्दी खाई, बहुत फास्ट खा रही है। अब साइलेज का मज़ा अब क्या आएगा क्या नहीं है तो आगे रिजल्ट मिलेगा। अभी फ़िलहाल जो है हमने खिलाने का शुरू किया है और शुरुआत में तो मतलब दिक्कत जैसा लगता है किसी को भी, क्योंकि हमारी पहले गाय भी है हमारे घर वाले, वो साइलेज कभी खाई नहीं थी, अचानक से साइलेज मिला है। लेकिन फिर भी एकदम थोड़ा भी नहीं लगता है कि साइलेज नहीं खाई होगी, एकदम जोरदार खा रही है, फटाफट खा रही है। तो चलिए, मज़ा तो आया होगा साइलेज खा के गायों को। आगे रिजल्ट क्या आता है वो सब तो मिलता रहेगा। साइलेज अपना जो है पूरा 10 टन जब आ जाएगा तो सभी दूध वाली गाय जितनी भी हमारी है, जो भी हाई मिल्किंग वाली गाय है, जितना भी 20 लीटर प्लस वाली है, उनको हम साइलेज खिलाएंगे। बाकी सभी गाय को जो चलता है रेगुलर चलता रहेगा। साइलेज और हरा चारा सुडान है, दोनों चीज़ मिला जुला के देते रहेंगे। बाकी जो भी साइलेज का रिजल्ट आएगा वो आपको बताएंगे। साइलेज सब खिलाने के बाद प्रॉफिट बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है, मवेशी का क्या रिजल्ट आ रहा है, सब कुछ दिखाएँगे। तो सबसे ज़्यादा साइलेज इस गाय को पसंद आया, रेड वाली को, इसको पसंद आया। देखिए, इसके आगे साइलेज जिसको, ये सब हमारे घर वाली जो है ये लोग कम खा रही है, भूसा में हम लोग मिक्स कर दिए हैं और खिला रहे हैं। साइलेज आप जिसको अगर दूसरे किसी को मंगाना है, बिहार के जो भी हैं और साइलेज आपको मंगाना है, तो सुधा डेयरी हमारी आरा जो ब्रांच है वहाँ पर आप मिल सकते हैं अपने अधिकारी से और बात करके उनसे बोल सकते हैं, तो आपको साइलेज आ जाएगा और साइलेज आप मंगा सकते हैं। 7 रुपये किलो आपको आके पड़ेगा घर पे। और जो भी मंगाना चाहते हैं, जो भी समिति वाले हैं, उनसे संपर्क करना पड़ेगा, समिति वाले को ही मिलेगा। किसान को अगर लेना होगा तो समिति वाले से बोलना पड़ेगा और 7 रुपये किलो आपको पड़ेगा लगभग। समिति वाला मंगाएगा तो उसको जो भी हो, अगर 2-4 टन आपको मंगाना है तो उसमें उसको 200-400 रुपया प्रॉफिट दे दीजिएगा, तो लालच से मंगाएगा, बाकी जल्दी कोई मंगाएगा नहीं। हमारे अगर नज़दीक के कोई है, अगर चाहते हैं नज़दीकी, जितना नज़दीक वाले हैं, अगर उनको नहीं मिल पा रहा है, वो अगर चाहते हैं मंगवाना, तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम आपको लिख के दे। तो दोस्तों, ये हमारा रहा साइलेज और यहाँ उतर गया टोटल माल 20 टन, अपना 2 टन माल आया है, मतलब 20 क्विंटल। और देख सकते हैं खूब बढ़िया पैकिंग है साइलेज। और ये जो है अपना सुधा डेयरी ने भेजा है। और चलिए, अब खिला के ट्राई करते हैं कैसे गाय खाती है और ट्राई करके आपको दिखाते हैं। और आगे रिजल्ट इसका 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखें कि कैसा रिजल्ट साइलेज से, हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रॉफिट होगा तो और हमने ऑर्डर कर दिया है, बाद में अपना बनेगा, तब तक अभी थोड़ा ऑर्डर और
हमने 10 कुंटल और 10 टन का ऑर्डर दे दिया है कि 10 टन और हमको चाहिए। तो ये चीज़ सुधा डेयरी से आया, तो सब कुछ भले कुछ भी हो सुधा डेयरी, लेकिन किसानों के लिए सोचता है सुधा डेयरी, कुछ ना कुछ तो अच्छा काम होता है। 7 रुपये किलो पड़ा है, क्या महंगा पड़ा है या सही रेट है ज़रूर बताइएगा, और हमारे घर पे आके 7 रुपये किलो पड़ा है यहाँ उतर के। तो ये रेट कैसा लगा, सही है कि गलत है, हमें साइलेज का भी उतना जानकारी है नहीं। हमने पंजाब से भी जब लाया था तो उस समय भी यही 6 रुपया 6.5 रुपया वहाँ पड़ रहा था, तो यहाँ पर अब आके हमें 7 रुपया पड़ा तो सही होगा। चलिए टोटल चीज़ दिखाते हैं और वीडियो में बताते हैं आगे क्या है कैसा है, और सुधा के बारे में जानकारी देते रहेंगे। तो सुधा डेयरी सब कुछ करके एक मिला जुला के सही चीज़ है हमारे लिए, किसानों के लिए। दूध का थोड़ा सा दिक्कत रहता है सुधा में पेमेंट का, लेकिन ये सब एक एक छोटी छोटी बातों का, मिनरल भेजना, कैल्शियम भेजना, साइलेज मंगा देना, सुधा दाना देना, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों पर सुधा डेयरी जब ध्यान देता है तो खुशी मिलता है कि हमें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं रहती है। थोड़ा महंगा या सस्ता हमारे पास सामान अगर आ जाता है तो हमें अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और आगे वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।